था ना, मैं बब्बी, अच्छा 3 साल से पार्लर चला रही हूँ यहाँ पे। अभी मैंने रिसेंटली होम सर्विस शुरू की है मसाज की, बिकॉज हमारे एरिया में रेड का बड़ा चक्कर रहता है। ओह गॉड, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इधर ही आते हैं। आपको पता है जब करीना आई थी यहाँ पे कॉमेडी सर्कस में, उसका मेकअप भी मैं ही करने वाली थी, पर एक डेट का इशू हो गया क्योंकि वो टीवी पे आ रही थी, मैंने फिल्म का काम पकड़ा हुआ था। हम लोग हेयर भी स्ट्रेट करते हैं, सर के नहीं, उस सर वाला इक्विपमेंट तो है नहीं मेरे पास। ऐसे कई लड़कियों के बाल होते ना जैसे ये शेव करके आती, वैसे ही होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधा करके बीच में काजल डाल देते हैं, तो पता नहीं चलता बाल है, ऐसे लगता है लड़की ने फुल स्लीव टी शर्ट पहनी हुई है। अब तो मेरा कोई कस्टमर आ जाए मैं बोहनी करूं, इतना काम रहता है पार्लर में, मैं क्या बताऊं। एक्सक्यूज मी, या सुनिए, लेफ्ट मार के ये वाली गली में क्या दीपा बार? मैंने आपसे कुछ पूछा क्या? बट यहाँ पे तो 10 लोग जो आते हैं 10 में से 8 यही पूछते हैं दीपा बार कहाँ है, और 2 को पता होता है। माय गॉड, मैं आपसे कोई एड्रेस पूछने नहीं आया, मुझे मेकअप कराना है। ओ आया हूँ, तो लड़के हो मेरे को तो लग रहा है अनिल कुंबले को किसी ने सचिन तेंदुलकर की वीक लगा दी। बैठे उधर, कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अरे लो ना, पहली बार हमारी दुकान पे, ऐसे कैसे, फिर चाय तो लो। ओ आप तो बड़ी अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखते हैं कस्टमर्स का। हाँ बस ख्याल के रखना, मेन काम चाय का, बोनी हो गई। अभी बताओ क्या करना है मेकअप में? जी आज हमारी जन्नत पैलेस में शादी है। जन्नत पैलेस में? रियली? यू हैव फोन? श्योर। हेलो हेलो मम्मा, हाँ मैं खाना बाहर से खा के आऊंगी, हाँ आज शादी जन्नत पैलेस में। एक्सक्यूज मी, आपको किसने इनवाइट किया है? तो मम्मा पापा को ले जाना, मेरे को इनवाइट नहीं किया है। एक्सक्यूज मी, आपके मम्मी पापा को किसने इनवाइट किया है? अरे उसको इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाबा, उसको खाली पता होना चाहिए शादी की, तो खुद ही पहुंच जाती है। दुल्हन के घाघरे से बड़ा लिफाफा लेके जाती, दाल भर के लाती उसमें। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी में नॉनवेज है? हाँ हाँ ऑब्वियसली। मम्मा एक काम करना, दुपट्टे में 4 लेग पीस बांध के ले आना। ठीक ठीक है मम्मा, नो प्रॉब्लम। अरे मेरा फोन वापस करो। ओके अच्छा बताओ अभी क्या करना है, शादी हो रही है। पैकेजेस बताओ। पैकेजेस हमारे 2 तरह के हैं, एक तो 1100 वाला पैकेज है और एक 11000 वाला है। अच्छा दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना, कुछ खास फर्क नहीं है। तो 1100 वाला पैकेज है, उसमें अगर आपको एलर्जी होती है तो डॉक्टर के पास जो जाएंगे वो आपकी फीस होगी। 11000 में जो हम लोग करेंगे, एलर्जी होगी तो हम लोग भुगतेंगे। मुझे एलर्जी होगी? उधर मुकर के बोले, इधर क्या कर रही है? हाँ अरे मुझे एलर्जी होगी। तेरे को एलर्जी? मेरे को तो डर है कभी मेकअप को सरगुन ना हो जाए। ए बकवास मत कर, मर्दाना औरत। क्या मर्दाना औरत, क्या देख लिया तूने मेरा? इतनी इतनी दाढ़ी निकल रही है। दाढ़ी तो मेरे हस्बैंड आर्मी में, कभी इधर पोस्टिंग उधर पोस्टिंग, टाइम नहीं लगता। बैठना इधर, तू इतना टाइम की वेस्ट करी, बैठ इधर, बैठ बैठना इधर, बैठना बाबा तेरी, बैठ इधर। कहाँ शादी हो रही, किससे शादी हो रही तेरी ठुल्लू, किसी तेरी, आज तेरा ग्रैंड फिनाले हो रहा है तेरा आज, किधर शादी हो रही तेरी, किधर शादी तेरी, दिवाली में आज पटाखे फोड़ेगा। हाँ एक लड़की है जिसका नाम है पूनम। लड़की तो मेरे को पता, लड़की से होगी तेरी शादी। नाम क्या बताया तूने? पूनम। वाओ पूनम, तेरी तो निकल पड़ी पूनम पांडे ना। पूनम शुक्ला वे, पूनम पांडे नहीं। अच्छा शुक्ली गुप्ती, सब स्वागरात वाले सब पांडे बन जाती तू रे, ये बातें मेरे को मत बता तू। हाँ बड़ा है तू, वो बंद कर। अच्छा सुनना, जब तक ये सूखे नहीं, हिलना नहीं, ओके? ये अभी तेरा फेशियल होएगा, धीरे धीरे करके सब करूंगी, ओके? आंखें मत खोल, आंख में चला जाएगा, वैसे ही टाइमिंग खराब है, ऊपर से आंख में चला गया। ये 2 खीरे ले, इसको खाना नहीं है ठीक है, बचा के रखना, अभी मेरा लंच टाइम होगा तो मैं वापस ले लूंगी। ओके ओके, और जब तक तेरा ये नहीं सूखता ना, तेरा सामान ये सब लगा हुआ है। सैया माने दिल की बात जिया रा धक 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 बोले, सैया माने दिल की बात जिया रा धक 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 बोले। मेरे पापा की कॉलर ट्यून है। हेलो पापा, हाँ मैं ब्यूटी पार्लर पहुंच गई हूँ। हाँ आप फिक्र नहीं करना, मैं ड्राइवर चाचा के साथ आ जाऊंगी, हाँ पैदल। ठीक है ओके, रखती हूँ, बाय। सुनिए आज ना हमारी शादी, हम तैयार होने आई हैं। आइए, कितने लोग हैं? हम तो एक ही हैं। तो मैं बोलो हम क्या होता, मुगलों की बहू आई तो बड़ी। इधर इधर बैठ, बोलो क्या करवाना है मेकअप में? देखिए फटाफट ना हमारी वैक्सिंग कर दीजिए। वैक्सिंग करनी है? हाँ। दिखाओ, शो मी योर हेयर। ये देखिए। ओह गॉड, बारात कितने बजे आ रही है? 10 बजे। इसको 3 महीने जाएंगे कम से कम। सुनना तेरे को एक आइडिया देती हूँ, इतने बाल निकालने से अच्छा है जहां जहां नहीं है वहां वहां लगवा ले, तेरा बैलेंस हो जाएगा। मेरी टांग दिखा अपनी। ओ गॉड, इस जंगल से मुझे बचाओ। व्हाट इज दिस, क्या ये? पापा को फोन करी, दोबारा फोन कर, उनको बोल टांगे आपकी आ गई गलती से। ये क्या है, ये क्या है? इसकी वैक्सिंग करूंगी, ये जंगल की, मेरे को डर है इसकी वैक्सिंग करूं, कहीं तेंदुआ ना निकल आए बीच में से। क्या कर रहे हो ये सब? देखिए आप बकवास बंद कीजिए। बकवास क्या बंद करिए, पहले लंबे लंबे बाल बढ़ा लेती हो, फिर लोग बोलते तो प्रॉब्लम आती है तेरे को। बैठ नहीं, इधर। पहले कभी मेकअप करवाया? नहीं।
करवाया होगा, हुआ नहीं होगा किसी से। बोलना आगे क्या है? नहीं करवाया मैंने आपसे, कहा ना नहीं करवाया मैं कब। हाँ ओके, और एक बात कहूँ आपसे? हाँ। बदतमीजी से बात कीजिए आप हमसे, हमारी भी कोई इज्जत नहीं है। ये क्या बात हुई? कुछ सूजा ने तो फालतू की बकवास कर रही है तू। बैठ इधर, अभी तेरा मेकअप स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके। चाटने का दिल करो चाट लेना मलीला है। ओके हाँ, और ये ले आंख पे खीरा लगा ले। खीरा? लेकिन ये तो काट के लगाते हैं ना। तेरा जैसा मुंह ना सड़े हुए प्रेम चोपड़ा जैसा, तेरा काट के भी लगाऊंगी कोई फिर नहीं पड़ेगा, उल्टा मेरा खीरा खराब होगा। पकड़ के रख इसको, रख इसको, और जब तक तेरा ये सूख नहीं जाता ना सामान, ये लगाना इसको आंख पे। और जब तक तेरा ये नहीं हो जाता, इधर उसे सुनती रहे म्यूजिक, ठीक है? तब तक मैं भी गाना सुन लूं। पार्लर में आदमी ठीक है एंजॉय करता, लेकिन बोर भी बड़ा होता है। हेलो यू आर मी चमक चलो। हेलो, चाय है? चाय? पानी है? कोई नहीं सुन रहा। क्या चाय पानी बे? कान पे लगा इसको, जब तक सूखता नहीं मारूंगी कान पे। एक लाइन एक्स्ट्रा क्या बोल दो, मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं तुमको पूरे हिंदुस्तान में ऑडिशन करके चुन के लेकर आए हैं, या बेइज्जती करने के लिए लाए हैं? लोग कहते हैं मशहूर हो जाओगे। अरे काहे के ऐसे कोई मशहूर होता है? मेरा भी बहुत बुरा हाल है। मेरे को पता है तू बकवास करेगी, इसीलिए मैंने अपना हेडफोन बंद रखा, सब सुन रही हूँ मैं। दीदी पहले ना बहुत जलन हो रही है, आपने ऊपर से चाटा मार दिया, उतार दो ना ऐसे। अरे बैठो, अभी सूखेगा तो फिर हटाएंगे। बैठो इधर, अभी तो स्टीम देना तेरे को। सुन ना, स्टीम कौन सी लेगी, नेचुरल की मशीन वाली? नेचुरल। नेचुरल? हाँ। क्या पागल है क्या, क्या कर रही है? तो खुद बोली नेचुरल स्टीम देने का है। ठीक है पानी मिल जाइए, तेरे को पानी गर्म करके लाती हूँ। तार छोड़ना, कहाँ से साउंड आ रही मेरे को पता नहीं चल रहा। ए दुल्हन तेरे आईब्रो कितने बड़े, सोच छोड़ना। बाप रे मेरी बोतल ही खोल देख, तेरी तो कितने बड़े आईब्रो। ओ गॉड, तुम्हारी भी शादी हो रही है क्या? हाँ यार, समझ सकता हूँ। अरेंज मैरिज, माँ बाप भी ना। तुम भी अपने माँ बाप से परेशान हो? बहुत। मैं भी अपने माँ बाप से बहुत परेशान हूँ। आज हमारी आजादी का आखिरी दिन है। काहे की आजादी का आखिरी दिन है? इसके बाद का 15 अगस्त नहीं आएगी? काहे की आजादी? अरे मतलब अब तो आज की बात से अपने नल्ले पति की बात सुननी पड़ेगी ना। सुन, तेरी बारात कितने बजे आ रही है? तेरे को क्या, तेरे को उसकी बारात में पैसे लूटने ठुल्ले साले, तेरे को क्या? चुप रहे ना। और तेरे को क्या इतनी जल्दी थी शादी करने की बे? क्या जल्दी तेरे को इतनी शादी की, जमीन से निकला नहीं, शादी करने की आग लगी तेरे को, क्या करनी? इतनी बड़ी बड़ी मूंछ हो गई है मेरी, अब शादी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? मूंछों को शादी से क्या लेने देना, बता मेरे को। मूंछें बड़ी बड़ी हैं। अरे मूंछे से कुछ होता ना, ये जो होटलों के दरबार ना सबके 15-15 बच्चे होते हैं। देखो बकवास बंद करो, मेकअप करो। मेकअप क्या करना, तुम लोग तो खुद ही गलत करके आए। इधर दिखाओ जरा, इधर हट, नीचे कर हाथ, इधर मुकर। गलत मेकअप करके आगे, जेंडर चेंज का मतलब ये नहीं होता, कुछ भी करो। इधर का अब लग रहा है तू दूल्हा, और तू तो बन के ही आया था। अब जाओ अपने बड़े फूफा से आशीर्वाद लो, निकलो यहाँ से, चलो हो गया मेकअप। सोहेल, इट वाज कपल ऑल द वे, और एक्टर जो ड्राइविंग फोर्स था वो कपल ही था। इनफैक्ट मुझे पहली बार लगा कि आप कपल, आप भी वो जो जो जैसे आप आते हो और आप करते हो, वो भी थोड़ा मुझे कम लगा। आई थिंक बेस ऑफ द एक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग was a little bit on the low key. It was the script was on the little poorer side. The characterization was on the poorer side. आप लोगों को जो justice करने के लिए आपके आपके talent के लिए जो एक script होती है, that was missing in this particular act. But undoubtedly one of the best talents, couple. So you surely will bounce back. Archie, किसने लिखा ये act? Raj. Raj ने लिखा. लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये act लिखा ही नहीं गया? इट्स एज इफ एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है जब किसी स्क्रिप्ट का, वो उसके बाद उसका सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर वो पॉलिश होता रहता है। ऐसे पहली बार मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट ड्राफ्ट ही आपने स्टेज पर हमारे सामने प्रदर्शन कर दिया उसका। और मुझे कभी ऐसा बोलने का मौका नहीं मिला आई थिंक कपिल, कि यू वर नॉट एबल टू डिलीवर। लेकिन आज वाकई में कॉन्टेंट की कमी की वजह से आपके पास कुछ नहीं था करने के लिए, उसके बावजूद जो आप बब्बी बन के आई, यू लुकिंग प्रिटी टूडे। आपने लिप ग्लॉस विप ग्लॉस लगा के, आगे बैंग छोड़कर, पीछे वो क्लिप लगाकर, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल एक्चुअली, और मुझे वाकई में आपसे प्यार हो रहा है। लेकिन जो कैरेक्टर डिवेलप होने चाहिए थे, वो कैरेक्टर सिर्फ नाम के लिए कैरेक्टर रह गए और डिवेलप बिल्कुल नहीं हुए। लेकिन आप तीन बहुत कमाल के हैं, और हम बहुत आशा रखते हैं कि आप अगली बार जब आएंगे तो फिर एक बार फिर हमसे 10-10-10 लेकर जाएंगे। फिलहाल आज के लिए, बिफोर शी आस्क्स, आई हैव टू डिसअपॉइंट यू विद एन 8। थैंक यू मैम। सोहेल, एक बार कपिल, सरगुन और मुबीन के लिए जोरदार तालियां।